सोलन में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि उन्हें हिमाचल की जनता ने विधानसभा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है वे उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बतौर अध्यक्ष ये सत्र उनके लिए पहली बार था। उन्होंने कहा कि जब सरकार के विचार पर विपक्ष असहमत होता है तो उस पर गतिरोध होना स्वाभाविक है। पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाना ही उनकी जिम्मेदारी है, जिसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। राजीव बिंदल ने कहा कि विधायक संविधान को बनाने और संवारने वाले जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो जनता के द्वारा चुना जाता है और विधायक ही निर्णय लेता है कि प्रदेश के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। इसलिए विधायक की गुणवत्ता बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए वे जल्द ही विधानसभा में विधायकों के लिए रेफरेंस सेक्शन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें वे प्रदेश से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिन्हें 24 से 36 और 48 घंटे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे जिस विषय पर भी बोलें उसकी जुड़ी जानकारी उनके पास हो। अब हम एक रेफरेंस सेक्शन शुरू कर रहे हैं। किसी भी विषय पर विधायक ने बोलना है तो वह लाइब्रेरी में जाएगा, अपना नोट देगा, मुझे इस विषय पर जानकारी चाहिए, 24, 36, 48 घंटे में उसको उस जानकारी के संबंध में सहयोग मिलेगा। अर्थात वो जब भी बोले तो इक्विप होके बोले। विधायक यानी विधायी कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी संविधान को बनाने वाला, संविधान को संवारने वाला, नियमों को बनाने वाला, नियमों को संवारने वाला व्यक्ति, और हिमाचल प्रदेश के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी चर्चा करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, अर्थात जो हमारा विधायक है वो पूरी तरह से इक्विप हो जाए, उसको हर चीज का ज्ञान हो।